तो कल बिग बॉस के घर में हुए मीडिया राउंड से कहीं ना कहीं विशाल पांडे जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि कल विशाल पांडे तो बिग बॉस के घर में नहीं थे पर उनके चर्चे भाई चारों तरफ थे। मीडिया वाले भर भर कर विशाल पांडे के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे बिग बॉस के कंटेस्टेंट से, और इसी को लेकर विशाल पांडे ने बोला, आपके ना होते हुए भी अगर बात तुम्हारी ही हो तो समझ जाओ कि तुमने कुछ तो सही किया है। जी हाँ दोस्तों, विशाल पांडे तो यहाँ बिग बॉस के घर में नहीं थे पर कहीं ना कहीं उनके चर्चे जो है वो चारों तरफ हमें देखने को मिल रहे थे। स्पेशली जो थप्पड़ वाला सीन था उस चीज को लेकर मीडिया जो है वो विशाल पांडे के साथ खड़ी नजर आई। इसके साथ ही विशाल पांडे ने बोला, थैंक्स टू ऑल मीडिया हाउसेस फॉर स्टैंडिंग बाई मी, आई एम ग्रेटफुल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विशाल पांडे ने मीडिया वालों को भी बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोला। इसके साथ ही आपको बता दूं कि घर से निकलने के बाद शिवानी और विशाल पांडे जो है वो एक साथ मिले, एक साथ समय बिताया, और इसी को लेकर विशाल पांडे ने शिवानी के साथ अपना एक फोटो शेयर किया जहां पर उन्होंने लिखा बिट्टी। वहीं बात करें विशाल पांडे के इंस्टाग्राम की तो विशाल पांडे के इंस्टाग्राम पर हो चुका पूरे 10 मिलियन फॉलोअर्स। जी हां दोस्तों, बिग बॉस में आने के बाद से विशाल पांडे को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, उनके फॉलोअर्स में भी बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आपको बता दूं कि बिग बॉस से पहले और बिग बॉस के बाद विशाल पांडे के फॉलोअर्स में कितना अंतर आया है। तो बिग बॉस में जब उन्होंने एंट्री मारा था तो उनके लगभग 9.2 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं अब जबकि बिग बॉस से एविक्ट हो चुके विशाल पांडे तो आज ही उनका 10 मिलियन फॉलोअर जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लास्ट 30 डेज में, यानी कि पूरे बिग बॉस के सीजन में उनको लगभग 8 लाख फॉलोअर्स का गेन हुआ है। फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी अपडेट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए खबरी मैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।